हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। फाइनली आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना बेडरूम मेकओवर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं इस चैनल पर होम डेकोर, DIY, होल लाइफ स्टाइल ब्लॉग शेयर करती हूँ। यदि आपको इस टाइप का कॉन्टेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे इस घर में 1 साल हो गया है और ये मेरा रेंटेड हाउस है। स्टार्टिंग में जब आप लोगों के साथ मैंने अपना बेडरूम का मेकओवर किया था तो वो जो थीम थी वो पूरी ट्रेडिशनल थीम थी। उसमें मैंने बहुत सारे कलर ऐड किए थे, DIY किए थे। उसके बाद से मैंने कोई भी चेंजेस इस बेडरूम में नहीं किए। इस बार मैं चाहती थी कि थोड़ा सा अपने बेडरूम को सटल कलर से सजाऊं और पेस्टल कलर यहाँ पर मैं यूज करूँ, थोड़ी पिंटरेस्टी वाइब वगैरह ऐड करना आती थी। तो आज के वीडियो में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। यदि आप किसी भी जगह का मेकओवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कलर थीम डिसाइड कीजिए, जो कि मैंने कर ली थी। मुझे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए था और मैं पेस्टल कलर ऐड करना चाहती थी। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करती हूँ, एक नोटपैड लेती हूँ, उस पर लिखना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है जो मेरे थीम के साथ चले जाएगी। जो चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें मैं सर्च करना स्टार्ट करती हूँ ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलती है आपके बजट में, वो चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑर्डर करना स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग में, ताकि जब मैं मेकओवर करूँ तो सारी चीज़ें मुझे टाइम पर रिसीव हो जाए। आप किसी भी नोटपैड पर मोटा मोटा ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ों की प्लेसमेंट समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर रखनी है और कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं रखनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अननेसेसरी चीज़ें मंगवा लेंगे, ऑर्डर कर देंगे और वो बहुत क्लटर लगेगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले से ही ड्रॉ कर लें। मेकओवर की सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? क्लीनिंग। बड़े बड़े फर्नीचर को डेली बेस पे हटा के क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। जब भी आप मेकओवर करते हैं तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हर बार नई चीजें ऐड करें, यहाँ से वहां चीजों को सफल करके आप डेकोरेशन चेंज कर देते हैं, क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है और आपका घर नया लगने लगता है। जब भी हम किसी स्पेस का मेकओवर करते हैं तो कई बार हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैं अपने मेकओवर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 2 टास्क ऐसे लग रहे थे जिन्हें मैं अकेले कंप्लीट नहीं कर सकती थी। पहला वॉलपेपर लगाना, क्योंकि बहुत बड़ी वॉल थी। सेकेंड, ये वार्डरोब को शिफ्ट करना, क्योंकि बहुत भारी थी। दोनों ही कामों को करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है। तो आप भी अपने मेकओवर में यदि ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। इससे काम ईजी हो जाता है और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जब हम रेंटेड हाउस से रहते हैं तो कई बार हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो मेरे बेडरूम का ब्लू कलर था और उन्होंने उसी टाइम पर पेंट किया था, फ्रेश था, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने अपना कलर चॉइस थीम रखा और मैंने ट्रेडिशनल मेकओवर किया। बट इस बार मुझे पेस्टल कलर यूज करना है और मुझे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर चाहिए था और मैं अभी भी पेंट नहीं कर सकती। तो यदि आप पेंट नहीं कर सकते हैं तो यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन आता है वॉलपेपर का। आप वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर व्हाइट कलर का वॉलपेपर चूज किया है और ये बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर है। मैंने अपने वॉल के अकॉर्डिंग डायमेंशन वगैरह मेजर करके ये रोल मंगवाए हैं। मुझे 8 से 9 वॉलपेपर के रोल लग गए हैं। आप चेक कीजिए कि आपकी वॉल कितनी बड़ी है, क्या साइज है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने जो वॉलपेपर के रोल मंगवा सकते हैं। तो यहां पर मैंने दूसरे 2 रोल और मंगवाए हैं। जैसे पिंटरेस्ट पे बहुत ही सुंदर सुंदर आजकल आपको वॉल आर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पेंट करना इजी होता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। बट मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मैं रेंटेड हाउस से रहती थी और यहां पर मैं पेंट नहीं कर सकती थी। यदि आप पेंट कर सकते हैं तो ये आपको बहुत ही बजट में पड़ेगा। तो यहां पर मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन रखा है और आर्च बनाया है। तो इसको मैंने वॉलपेपर पे इस तरीके से कटिंग कर ली है और लगाना स्टार्ट किया है। ये बहुत ही सुंदर लगता है लगने के बाद। और पूरी जो सामने की वॉल है मैंने व्हाइट कर दी थी, तो इसके साथ ये बहुत अच्छे से जा रही थी।
और वॉलपेपर का एक अच्छा ये है कि हमें इसमें प्रिंटेड वॉलपेपर मिल जाते हैं, और अगर आप पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सॉलिड पेंट करना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था। तो आप अपने रेंटेड हाउस में ये चेंजेस कर सकते हैं, इससे आपके वॉल डैमेज भी नहीं होती है और आपके ओनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप यहाँ से जाना चाहें और आपको नहीं चाहते कि ये वॉलपेपर, या सामने वाले को नहीं चाहिए कि आप ये वॉलपेपर रखें, तो कोई नहीं, बहुत आराम से निकल जाता है क्योंकि इतने ज्यादा एडेसिव इसके स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ये इजीली निकल भी जाते हैं और ये वॉलपेपर किसी भी वॉल को डैमेज भी नहीं करते। हर मेकओवर के लिए न्यू फर्नीचर परचेस करना पॉसिबल नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल है, ना मैं खरीदना चाहती थी। तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने फर्नीचर को रीयूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कॉर्नर सेट थी जो कि मैं अराउंड 3 इयर्स से यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से। यूट्यूब जब से मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहला फर्नीचर आई थिंक मेरा यही था, और ये ब्राउन कलर में है जो कि अब मेरी कलर थीम के साथ नहीं जा रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगी, स्प्रे पेंट कर दूंगी, सबसे सस्ता ऑप्शन है। आप स्प्रे पेंट कर दीजिए, छोटे फर्नीचर को स्प्रे पेंट करना बहुत इजी होता है, इससे बहुत ही अच्छा ग्लोसी इफेक्ट आ जाता है। आपको मैट और ग्लोसी दोनों में आपको स्प्रे पेंट मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको व्हाइट कलर कर रही हूँ जो कि मेरी कलर थीम के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। आपकी कलर थीम क्या है, उस अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर सकते हैं। दूसरा फर्नीचर है मेरा बेड, जिसका हेडबोर्ड ब्राउन कलर का है, जो मेरी कलर थीम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। अब मैं यहाँ पर दो ऑप्शन चूज कर सकती थी, या तो मैं कारपेंटर को बुला के इसका फैब्रिक चेंज करवा देती, या तो खुद से ही कम प्राइस पे कर लेती। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया क्योंकि मेरा बजट थोड़ा सा टाइट था। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है जो कि फर फैब्रिक है, व्हाइट कलर का है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन भी मंगवाया था, और ये आपको लोकल मार्केट में भी 200 रुपए मीटर में मिल जाएगा। तो यहां पर मैं ये फर वाला फैब्रिक यूज कर रही हूं जिसको मैंने खुद ही स्टिच किया है। दिखने में सुंदर है और बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इससे मैंने अपना हेडबोर्ड तो चेंज कर लिया जो कि बहुत ही कम प्राइस में हो गया। थर्ड फर्नीचर की बात करें तो मेरे बेड के दोनों साइड की ये बेड साइड टेबल है, ऊपर का पोर्शन ब्राउन कलर का है जो कि मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती थी, या तो मैं पेंट कर देती, तो पेंट करने से ये प्रॉब्लम होती कि बहुत टाइम वेट करना होता है ड्राई होने का। और सेकेंड ऑप्शन ये था कि आप कोई भी क्लोथ यहाँ पर स्प्रेड कर सकते थे, पर डेली बेस पे यूज करना पॉसिबल नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है डेली बेस पे इनको यूज करना। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वॉलपेपर लगा दें। तो वॉलपेपर मेरे पास व्हाइट कलर का तो पूरा खत्म हो गया था, सेकेंड जो मेरे पास वॉलपेपर बचे थे ग्रीन और ऑरेंज कलर का, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बचा था। तो मैंने क्या किया, इनको हाफ हाफ कट करके दोनों को यहाँ पर लगा दिया। दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और अच्छे से मैच हो गया था, क्योंकि साइड में भी आप देखेंगे हमने आर्च बनाए हैं और यहाँ पर भी इनमें हमने लगा दिया, तो पूरा मैचिंग हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप अपने बड़े फर्नीचर को, छोटे फर्नीचर को यदि कम टाइम में नया लुक देना चाहते हैं, और मैंने पहले भी ये किया है, तो आप अपने वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं किसी भी फर्नीचर पर। हमारे मेकओवर के मेन मेन काम हो गए हैं, बस अब हमें फर्निशिंग लगानी है, स्टाइलिंग करनी है, डेकोर करना है। तो यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो जरूर चेक कर लेना। क्यूट आर्टिकल्स के साथ हम इस सेल्फ को सजाएंगे। स्प्रे पेंट करने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो यदि आपके पास पुराना फर्नीचर है और आप उसे डिस्कार्ड करने वाले हैं तो उसको एक मौका जरूर देना। यहाँ पर साइड टेबल पर मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रखने वाली, काम की चीज़ें ही यहाँ पर आएगी, और ये ट्यूलिप वाले फ्लावर मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए हैं, आप जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर मैं कुछ फ्रेग्रेंस कैंडल भी रखने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि पहले मैंने बेडरूम मेकओवर में हैंगिंग लाइट, दो हैंगिंग लाइट यूज़ की थी, यहाँ पर मैं सिर्फ एक साइड टेबल लैंप यूज़ करने वाली हूँ। और ये वॉल आर्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना कलरफुल, पूरी थीम के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा था, और आप देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक स्टोरेज बॉक्स में रखने वाली हूँ, हैंगिंग प्लांटर रखने वाली हूँ, आप ओरिजिनल प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अब बारी आती है फर्निशिंग की चेंज करने की। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको
ब्राउन टोन की सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो ये जो कर्टन्स है, ये मेरे लिविंग रूम में जो कर्टन्स लगे हुए हैं उनके साथ ही आए थे। एक्चुअली ये 6 के सेट में आए थे, तो 4 जो मैंने कर्टन्स है वो लिविंग रूम में लगा दिए, और जो मेरे पास ये वाले कलर के कर्टन्स बच गए थे और मैंने इनको फिर से यूज़ कर लिया है, और मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा इस मेकओवर के लिए कर्टन्स, तो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। ये सिंपल सी चेयर में यहाँ पर रखूँगी, और इसको कैसे हम स्टाइल करेंगे ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक लैंप रखूँगी, और ये वॉल आर्ट भी बहुत सुंदर है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर में अपने इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर शूट कर पाऊँ, क्योंकि पूरे घर में यहाँ पर सबसे कम आवाज़ आती है। अब बारी आती है हमारे बेड को स्टाइल करने की, तो मैं सारी फर्निशिंग अरेंज कर दूंगी। ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पर बेज कलर की लगाई है, बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके की बेडशीट आप यदि लगाते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे कुशन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कोजी लुक आएगा, और ये रिलैक्स वाला कुशन बहुत ही सुंदर है। ये जो एसी कंफर्टर है पूरे हॉल वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आप सारे प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं, और सिंपल सी चेयर को हमने न्यू लुक दे दिया है, रग ऐड कर देंगे, और यहाँ पर एक मैंने स्टूल रख दिया है डेड सीट। वीडियो आई होप आज का मेकओवर वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे आइडियाज आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से टिप्स आप पहले से फॉलो करते आए हैं वो भी बताना। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें इस टाइप का कॉन्टेंट देखना पसंद हो। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।